हेलो एवरीवन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल संगीता रोशन और आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले हमें चाहिए होगा 200 ग्राम मैदा ये देखिए और इसमें हम डालेंगे अजवाइन एक चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें तीन चम्मच और अब हम इसे गूँथेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी डालेंगे और पहले इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल डाल के और इसको अच्छे से एकदम हार्ड वाला डो तैयार कर लेंगे इसका इसको बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से गूँथ लेना है जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं बट ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए तो ये इस तरीके से हमारा एक डो बन के तैयार हो जाएगा अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे मीडियम साइज़ की ये देखिए तो अब मैं इसकी लोहियाँ बना रही हूँ इस तरीके से गोल गोल लोहियाँ बना लेंगे इसकी चार से पाँच और ये जो नमक पारे हैं ये खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं और अगर आप चाहें तो इवनिंग में एज अ स्नैक्स भी इनको फटाफट बना के पाँच मिनट में बना के और इसे खा सकते हैं तो ये देखिए अब लोहियाँ बन चुकी हैं हमारी और इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें तभी आपको ये प्रॉपर समझ में आ पाएगी तो अब हमने लोइयाँ बना ली अब हल्का सा इसमें एक लोई लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको रोटी की शेप में बेलना है अच्छे से जितना तक ये फैल सके उतना लंबा लंबा इसको रोटी की शेप में बेल लेंगे ये देखिए और ये हमारा रोटी की शेप में बेल चुके हैं हम इसे और अब हम इसको एक चाकू की हेल्प से नाइफ की हेल्प से इसको कट करेंगे लंबे लंबे पीसीस में ये देखिए थिन स्ट्रिप्स में इसको पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेंगे इस तरीके से आराम आराम से और अब हम इसे दूसरी साइड से कट करेंगे ये देखिए और इसके बाद फिर से कट करेंगे और इस तरीके से अब हम इसमें से पीसीस को अलग कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे आराम आराम से ये देखिए इसी तरीके से मैं आपको दूसरी भी एक बार रोटी बेल के दिखा रही हूँ इसके लिए नमक पारे के लिए तो इसे भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे रोटी की शेप में और फिर इसे भी नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे नमक पारे की शेप में ये देखिए लंबा लंबा इस तरीके से नाइफ़ की शेप से नाइफ़ की हेल्प से इसको शेप दे देंगे और इन्हें भी हम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल लेंगे मीडियम फ्लेम पे गरम रखना है ऑयल को और उसमें अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ही रखना है आँच को बहुत तेज़ नहीं रखना है अदरवाइज़ ये जल जाएंगे तो बिकॉज हमें इन्हें अंदर तक पकाना है तो अब इन नमक पारों को हम धीरे धीरे से कढ़ाई में डाल देंगे और ये देखिए और इन्हें चार से पाँच मिनट तक ऐसे ही पकाना है दोनों साइड से जब तक ये लाइटिश ब्राउन ना हो जाए ये देखिए और ये अब थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी हैं तो मैंने इन्हें हम थोड़ा सा और पकाएंगे अब ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी हैं लाइटिश ब्राउन तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में ये देखिए तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमारे नमक पारे बनके तैयार हो चुके हैं और इसे चाय के साथ खाएं चाय के साथ इसका मज़ा दोगुना हो जाएगा तो ये देखिए मैं कितने क्रिस्पी हैं मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ आपको तो मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय